हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास सिक्स का इंग्लिश बुक अ पैक्ट विथ द सन, हम इस बुक के हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की हेडिंग को समझ लेते हैं, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसमें बताया गया है, पहले टेल मीन्स क्या होता है उसको समझ लीजिए। इस वर्ड टेल का अर्थ होता है कोई किस्सा, किस्सा या कहानी। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स पक्षी, तो दो पक्षियों की कहानी। तो चलिए दो पक्षियों की क्या कहानी है इसे पहले पढ़ते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड मीन्स एक कोई पक्षी है जो माँ है, एंड हर टू यंग वंस जिसके दो बच्चे हैं जो एक जंगल में रहते थे। अर्थात तीन पक्षियों की बात की गई है। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Mother bird जो थी, जो माँ थी, वह storm में मिस बादल गरज रहा था, उसी में किसी तरह से उनकी मृत्यु हो गई और उनके दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। Each found a different home और सभी को एक अलग अलग घर मिल गया। अलग अलग घर किस तरह से मिल गया इसके बारे में हम चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक माँ अपने दो नए जन्म लिए बच्चों के साथ जंगल में रह रही थी। दे हैड अ नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। एक बार की बात है, एक बार एक माँ एक बर्ड मदर अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक बड़े से छायादार जो बहुत लंबी पेड़ है उसी पेड़ पे एक घोंसले में उसको रखती थी और खुद भी रहती थी और वह दिन रात अपने बच्चों की केयर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत जोरों से बादल गरजना शुरू हो गया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। क्या था उस समय, बहुत तेजी से बादल गरज रहा था और बिजली चमक रही थी, साथ ही बारिश भी हो रही थी। एंड और द विंड ब्लू डाउन मैनी टाइम्स। और बहुत बार क्या हुआ, हवाएं भी तेजी से चल रही थी। द टॉल ट्रीज इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और वह लंबा सा जो पेड़ था वह पेड़ भी हवाओं के साथ कई बार नीचे झुका। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। क्या हुआ, उसी हवाओं के झोंके के साथ उस पेड़ की बड़ी सी टहनी उस पक्षी को जो मदर थी उसको हिट किया, उसको लग गया उस ब्रांच के टहनियों से और वह उसी टहनी के चोट से मर गई। फॉर्चुनेटली और भाग्य से फॉर द बेबी बर्ड्स उनके जो बच्चे थे वे क्या हुए, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और जंगल के दूसरी तरफ उन दोनों बच्चों को हवाओं के झोंके ने धकेल दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ कैब वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। उन दोनों में से एक पक्षी एक गुफा के नजदीक जाके गिरे जहाँ जिस गुफा में रॉबर्स रहते थे, रॉबरी करने वाले रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि's आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा पक्षी जो था वह उस गुफा से दूर एक ऋषि के आश्रम के नजदीक ही गिरा। डेज पास्ट, दिन धीरे धीरे क्या हो गए, बीत गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और वो जो पक्षी बच्चा था वो धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा हो गया और बड़ा पक्षी बन गया। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या हुआ, उस शहर का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वह एक हिरण को देखा और हिरण के पीछे पीछे वो रोड मीन्स किसी पे बैठे हुए था और उसी को उसके पीछे चलाने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। और वहाँ धीरे धीरे चलते चलते जंगल में बहुत ही ज्यादा अंदर चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और जिसे राजा पीछा कर रहा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। और बहुत जल्द क्या हो गया, जंगल में इतना ज्यादा घना जंगल था उसमें राजा खो गया और उसे अपना रास्ता याद नहीं रहा। एंड और ही डिड नॉट नो वेयर ही वाज। और उसे यह पता ही नहीं था कि राजा अभी कहाँ पहुंच चुका है। ही रोड ऑन अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द ट्री। वह रास्ता की खोज करने लगा और धीरे और वहां से
रोड करते हुए सवारी करते हुए जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। वेरी टायर्ड नाउ, अब इस समय वह राजा बहुत ही ज्यादा थक गया है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरा एंड और सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर अ कैब, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो पेड़ आके नजदीक ही था। सडनली अचानक ही हर्ड, उसे कुछ सुनाई दिया, अ वॉइस क्राई आउट, एक आवाज सुनाई दिया, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेलर्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स विल स्लिप अवे, उसे कुछ सुनाई दिया कि कोई व्यक्ति का आवाज था जो बोल रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी आओ और उसकी ज्वेलर छीन लो, उसके घोड़े छीन लो, नहीं तो वह भाग जाएगा, वह स्लिप हो जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, राजा इन सभी बातों को सुनकर अमेज्ड था, आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप, वह ऊपर देखा एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग, वह जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उसी पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्राउन मीन्स भूरे रंग का पक्षी था जो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और वह जो भी बातें बोल रहा था उन सभी बातें की प्रतिक्रिया राजा को गुफाओं से मिल रहा था, अर्थात गुफाओं से कुछ नॉइजेस राजा को सुनाई दिया। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वह जल्दी से जल्दी अपने घोड़ा पर चढ़ गया एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी उस घोड़े पर बैठकर वह राजा वहां से भाग गया। आगे है, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, राजा को फिर से एक आवाज उसी तरह से सुनाई देता है और उसे सुनकर राजा फिर से अमेज्ड, फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, बर्ड्स पक्षियों की सच्ची कहानी सुनने के लिए वहां आया था। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वह एक ऋषि से मिला जो दोनों पक्षियों की बिहेवियर आदतों को एक्सप्लेन करते हैं उस राजा। यही तीनों पॉइंट इस निचले पैराग्राफ की समरी है। सून जल्द ही he came to a clearing which looked like an आश्रम, जल्दी ही वहां से भागते भागते राजा एक आश्रम के नजदीक पहुंच गया। इट वॉज द ऋषि's आश्रम, और यह उस ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया एंड और सेट डाउन इन इट्स शेड, और उस पेड़ के छाव में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दिया जो यह कह रहा था कि वेलकम टू द आश्रम सर, सर आपका इस आश्रम में स्वागत है, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया इस आश्रम के अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि बहुत जल्द ही आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप खुद को आराम दीजिए, आप खुद वहां जाके आराम कीजिए। किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा फिर से उस पेड़ के ऊपर देखा, दूसरा पेड़ जो ऋषि के आश्रम के नजदीक में था, पेड़ पर एक भूरे रंग का फिर से बर्ड दिखाई दिया, पक्षी दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, उसे राजा को फिर से आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द कैब, और इस बर्ड को देखने के बाद राजा को यह लगा यह वही पक्षी है जो कैब गुफा के पास था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और यह बात वह जोर से बोला कि यह वही पक्षी है जो गुफा के नजदीक था। यू आर राइट सर एंसर्ड द बर्ड, इस बात को सुन वह पक्षी जो था वो बोला सर आप सही कह रहे हैं, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसकी दोस्ती आतंकवादियों से हो गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे टू, अब वह वैसा ही करता है जैसा वे लोग बात करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मेरे से अब बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी उसी समय ऋषि भी उस आश्रम में आ गए। आगे पढ़ते हैं, वेलकम सर, स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग, ऋषि मुनि उस राजा से कहते हैं सर आपका वेलकम है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और इस आश्रम को अपना घर समझिए, इस तरह से ऋषि मुनि उस राजा से कह रहे हैं। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आप आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब मैं आपको कुछ खाना भी खिलाऊंगा, इस तरह से ऋषि मुनि राजा को ऑफर किए। फिर आगे है, द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, तब क्या हुआ वे जो ऋषि थे वे सभी घटना उन दोनों पक्षियों की किस तरह से भी जिंदा हैं और किस तरह से दोनों बिहेव करते हैं उन सभी बातों को राजा को बताएं। आगे है, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, यह जो जंगल है वह पूर्ण रूप से सरप्राइज से भरा हुआ है।
सेड, वह कहा। द होली मैन स्माइल्ड, इस बात को सुनकर ऋषि महाराज हंसने लगे। एंड सेड, और कहे, आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी वैसा ही हो जाता है जिसके साथ वह रहता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबरी, वह पक्षी जो हमेशा रॉबर्स की बातों को सुना है, ही इमिएट्स देम, वह उसी को दोहराता है। एंड टॉक्स अबाउट द रॉबिंग पीपल, और रॉबरी करने वाले लोगों के बारे में ही बोलता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और यह पक्षी वही बोल रहा है जो हमेशा यह सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, नाउ यह पक्षी हमेशा लोगों का स्वागत करता है जो आश्रम के नजदीक आता है, क्योंकि यह इस आश्रम में रहने वाले लोगों की बातों को सुना है, इसलिए यह यही बोल रहा है। नाउ अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, आप इस आश्रम के अंदर चलिए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको इस पक्षी के बारे में और इस जगह के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। चैप्टर हो जाता है यही समाप्त।